सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब को बिन भागा बिन भागा बिन भागा दर्शन नाथ ये पाग सतगुरु सब को लोचदा जेता जगत सब कोए विण पागा दर्शन नाथिए पाग हीन बहरोए जो हर प्रभु थाना सोतिया जो हर प्रभु थाना सोतिया को प्रभु मिलने का जा प्रभु मिलने का जा प्रभु मिलने का जा प्रभु मिलने का जा कर मिन्नत कर जोगिनी कर मिन्नत कर जोगिनी मैं प्रभु मिलने का जा प्रभु मिलने का जा प्रभु मिलने दिल्ली के वचेतास सिख कौम के महान जरनैल सरदार जसा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हों की 300 साल जन्म शताब्दी समुचा सिख पंथ बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मना रहा है। इस मौके विशेष तौर पर खालसाई फतेह मार्च का आयोजन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली की धरती तो किया गया सी जिहड़ा कि पड़ा दर पड़ा हुंदा होया पंजाब दे विच बीते समय शामिल होया सी। रात का पड़ा है जिहड़ा गुरद्वारा बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी श्री फतेहगढ़ साहिब की धरती से इस दे पड़ा होया सी। उस तो बाद लगातार अज अगले पड़ा दे लई इस खालसाई फतेह मार्च का आगाज़ है जिहड़ा होण लग्या है। तुसीं देख सकदे हो पंज प्यारियां दा निशानचीज सिंघां दा विशेष सन्मान है जिहड़ा उह कीता जा रिहा है। फुल माला है जिहड़ी उहनां नूं भेट की जा रही है। सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन स्वरूप ने जिहड़े उह पालकी साहिब दे विच सुभायमान हो चुके ने। पालकी साहिब दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन स्वरूप सुभायमान हो चुके ने। साडा इस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जूनियर मीत प्रधान सरदार अवतार सिंह जी रियाओ विशेष तौर पर मौजूद ने। उन्होंने फतेह की सांझ पावांगे। सर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम के उस महान जरनैल नूं याद करदे आं खालसाई फतेह मार्च का आगाज़ हो रहा है की कहोगे? अज जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हों का 300 साल जन्म दिहाड़े के खुशियां दे विच 16 अप्रैल तो रकाबगंज साहब तो दिल्ली की धरती तो जिहड़ा नगर कीर्तन आरंभ होया सीगा पड़ा दर पड़ा हुंदा होया रत गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब धन धन बाबा जोरावर सिंह धन धन बाबा फतेह सिंह धन धन माता उजनिक माता गुजर कौर जी के शहीदी स्थान पर जिहड़ा रात का ठहरा सी और हुण अज जिहड़ा इत्थों उचाले पाए ने जिहड़ा कि अलग अलग पड़ावां च हुंदा होया चमकौर साहब हुंदा होया श्री आनंदपुर साहब खालसे की जन्म भूमि से जाके जिहड़ा अज का विश्राम होगा और ये अलग अलग पड़ावों हुंदा होया श्री दरबार साहब जाके जिहड़ा समाप्ति होनी है 4 मई नूं और इस करके मैं सारिया संगतां दे चरणां च बेनती करदा जिथे मैं जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दे जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई दिंदा समुची संगत नूं और ये बेनती भी करदा कि आओ आपां उहनां महान अपने योधियां दीआं यादां नूं ताज़ा करदे रहिए और अमृतपान करके सिंह सजीए। वाकई अज उस पावन पवित्र धरती तो
जड़ा है इस खालसा फतेह मार्च का आगाज़ हो रहा है जिस स्थान तो कदी छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नू शहीद किया गया सी। खालसा जाहो जलाल है जड़ा वो इस वक्त देखने मिल रहा है। कहते हैं जिस समय बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी सूबे की कचहरी के होंगे ने तो उस समय अनेक तशसीहे उन्होंने दिते जाते हैं तो उस समय सूबा है जड़ा डरावा देंदे हुए छोटे साहिबजाद कहता है कि तुहानू कोई भी तुहाडे शरीर चुकण वाला भी नहीं बचेगा। तो उस समय छोटे साहिबजादे कहते हैं कि जो सूबा डरावा दिता है कि तुहाडे इल्ला गिर जाने जिहड़ियां तुहाडा शरीर नोचणियां तो उस समय छोटे साहिबजादे कहते हैं कि जिन्नियां उच्चियां वो इल्ला ते गिरजां साडे शरीर दे टुकड़े लैके उड़नियां ओडे उच्चे इत्थे खालसाई निशान झूलणगे। तो अज उस पावन स्थान तो ये खालसाई फतेह मार्च का जो आगाज़ हो रहा है तो उस समय खालसा ही जाहो जलाल विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष तौर पर उचे उचे प्रबंध किए गए हैं। सकत्र सरदार अडिशनल सिंह अडिशनल सकत्र ने जिहड़े सरदार गुरदयाल सिंह जी वो साडा विशेष तौर पर इस समय मौजूद ने उन्होंने फतेह की सांझ पावांगे। सर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस महान योद्धे नूं याद करदे होए तुसीं लगातार नाल नाल चल रहे हो इस खालसाई फतेह मार्च दे किहो जिहा उत्साह है जिहड़ा संगत दे विच देखण नूं मिल जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट दिशा निर्देशों के तहत ये खालसा फतेह मार्च 16 अप्रैल तो दिल्ली तो प्रारंभ हो के वख वख नगरों तो हुंदा होया अज रात्रि का विश्राम गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब विखे किया है। संगतों के विच बहुत ही भारी उत्साह है खालसा फतेह मार्च के संबंध में। असी सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ तो इतों के प्रबंधकों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत वधिया तरीके सारे प्रबंध किए हैं तो इतों के प्रबंधकों का भी धन्यवाद करते हैं। संगत को बेनती करते हाँ कि जिस तरह तुसी इस खालसा फतेह मार्च का वध चढ़ के स्वागत किया है 5 तरीक नूं जिहड़ा विशेष प्रोग्राम श्री अमृतसर साहब विखे उलीकिया गया है उस प्रोग्राम के वध चढ़ के संगत अपनी हाजिरी लवाउण ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਸਤਾਬਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਨਾਗਨੀ ਵਰਛਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
याद कर रहे हैं जिन्हों की 300 साल जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आओ उस योधे वालों पाए हुए पूर्णिया से चलते अपना जीवन सफला करिए, उस योधे बारे इतिहास बारे जाणू होके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।